दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो हम पशुपालन व्यवसाय के ऊपर बना रहे हैं कि पशुओं के नीचे के बिछाने की मैट होती है उनसे दूध में इजाफा कितना होता है, क्या दूध में इजाफा होता है और ये कितने की पड़ती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सफाई कितनी रहती है, इससे संपूर्ण जानकारी हम रजत जाट से लेंगे। उनके फार्म हाउस पर आए हैं हम, तो उनसे ही जानते हैं। नमस्कार रजत जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम आपसे ये पूछना है कि आपने ये मेटे लगवाई है तो आपको खर्चा कितना आया है और क्या क्या प्रॉफिट मिला है आपको इन पे, मतलब पैसों के लगवाई तो आपने क्या क्या इससे प्रॉफिट पाया है? ये हमने क्या है कि पहले मिट्टी का था यहाँ पर, तो उसमें साफ सफाई अच्छी नहीं रहती थी। हाँ, उसके बाद हमने इस पे RCC की कंक्रीट करवाई जी, तो उसमें हमको क्या है कि भैंसों के पैर फिसलने की समस्या ज़्यादा। अच्छा, वो पैर टूट जाते होंगे भैंसों को गिर के। तो अभी भैंसे भी महंगी आती है और कभी किसी भैंस का मान लो पैर टूट जाए तो लफड़ा रहता है। सही बात है। हमने आसपास जांच करके ये मेट मंगवाई है। मैंने 10 मेट मंगवाई थी, उसके साथ 3 फ्री आई थी। तो ये सारी सारी भैंसों के लगा रखी है? लगभग सबके लगा रखी है। कितनी होगी ये? ये 13 मेट है यहाँ पे। अच्छा, और एक कितने की पड़ी आपको? एक 2700 रुपये के लगभग पड़ गई थी अपने। 2700 रुपये में एक मेट पड़ी चुकी है, तो इसका फ़ायदा कितना ले रहे हो आप? मतलब कि किसान कोई लोग लगवाए तो इसको उनको कितना फ़ायदा मिलेगा? 2700 रुपये एक भैंस के लिए वो खर्चा कर रहा है तो उनको मिलना भी तो चाहिए, मतलब आपको कितना मिल रहा है? फ़ायदा तो इसमें बहुत सारा है। आप दूध में भी आपके इजाफा होगा। दूध में कितना परसेंट होगा? 10% आपका दूध भी बढ़ेगा, क्योंकि भैंस क्या है कि जब बैठती है तो उसको कंफर्टेबल फील होता है। हाँ सही तो है, वैसे ही वो दूध अच्छा देगी। और उसके अलावा साफ सफाई पे भी, हाँ इनको धो भी आराम से सकते हैं, सप्ते भर में धो दो। अच्छा, और ये मतलब कि कितनी देर में, पहले कितनी देर में साफ सफाई होती थी और अब कितनी देर में होती है? ये देखो, साफ सफाई पहले लगभग लगभग यूँ मान लो आप 2 घंटे पूरे हो जाते थे यहाँ पे लड़के को। अभी आधे घंटे में सफाई करके निकल जाता है लड़का यहाँ से, आधे घंटे में। हाँ, तो मतलब कि आपको इतना फ़ायदा ले रहे हो इससे, मतलब कि कुल मिला के प्रॉफिट ही आपको है लेने में। तो अगर हाँ, कोई लेना चाहे तो ये किन से लेगा? मतलब ये सर, मैंने तो अभी यहाँ, मैं नीमच MP का रहने वाला हूँ जी। मैंने तो अपने पास मंदसौर जिला है, वहाँ से मंगवाई। मंदसौर से? हाँ, तो काफ़ी अच्छा है। तो हम इसके आप नंबर दे देना उनके, ताकि हमारा संपर्क कर ले। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके नंबर डाल दूँगा कॉन्टेक्ट के जी सर, सेलर के। तो देखिए दोस्तों, हम रजत फार्म हाउस में है और ये मतलब कि इस बिज़नेस से लाखों कमा रहे हैं। तो इन्होंने हर चीज़ के लिए सुविधा बना रखी है। तो इनके बस एक ही दिक्कत थी कि इनको प्रॉब्लम होती थी सफाई में, और यहाँ पे कीचड़ रहता था तो भैंसों को भी नुकसान होता था। तथा इन्होंने RCC करवा दी, तो पहले सोचा कि भैंस गिर जाएगी, पाँव नहीं टूट जाए, तो इसलिए उन्होंने इतना खर्चा किया एक भैंस पे। लेकिन इनका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बोल रहे हैं कि 10-20% तक दूध में इजाफा होता है, तो काफ़ी एक फ़ायदा ही है। हमारा अगला वीडियो गोबर का क्या करते हो, मतलब के ऊपर आएगा कि जो गोबर आता है उसका कैसे मनाते हैं और पूरा प्रोसेस क्या होता है मनाने का, और खाद कितने दिन में तैयार होता है, क्या क्या फायदे है, क्या क्या सावधानी है, इस पूरी जानकारी आपको समझाई जाएगी। तो नीचे लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और पास में घंटी का ऑप्शन आएगा उसे भी दबा दें, ताकि अगली वीडियो वर्मी कंपोस्टिंग के आते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।